नैनीताल में हम नैनीदेवी मंदिर में हैं। अभी हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है नैनीताल। ताल मतलब मतलब होता है यहाँ पर बहुत बड़ा एक तालाब है। नैनीदेवी मंदिर नैनीताल मतलब जो जिस समय माता पार्वती ने शरीर त्याग किया, शंकर जी उसी शरीर को लेकर के ऐसे उद्दंड नृत्य कर जिसको ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, उसी समय भगवान विष्णु ने देखा जब तक ये शक्ति शरीर रहेगी तब तक शंकर जी ये नृत्य नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सुदर्शन चक्र से माता शरीर को उन्होंने बाहर खंड किया था, पीसेस किया था। इसलिए ये जो स्थान है माता जी के नयन उनके आखिरी यहाँ पर गिरी है, इसलिए इसका नाम नयन से नैनी और ताल मतलब यहाँ पर सुंदर तालाब है, इसलिए स्थान का नाम नैनीताल। हम लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए, ये माता जी के मंदिर है। साधारण लोग माता जी से धन दौलत पुत्र परिवार संसार की सुख कामना प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग वैष्णव लोग हैं, माता जी का एक स्वरूप भी वैष्णवी स्वरूप है। जैसे ब्रज गोपियाँ कात्यायनी की पूजा करते हुए प्रार्थना की थी, कात्यायनी महामाई महाजोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतन, मतलब हे महामाई हे महाजोगिन हे अघटन घटन पटेसी, अगर आप हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हो जो नंद के लाला जो कृष्ण है जैसे हमारी पति रूप में प्राप्त कर, हम भी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं एक दिन हम राधा रानी की दासी पद को प्राप्त करते हुए कि जीवन को सार्थक बनाए। बोले नैना देवी की जय, नैनीताल की जय। चलो बड़ा बड़ा घूमा और तो वही नहीं जाना।